सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में युवाओं का उग्र प्रदर्शन जारी है। जगह जगह आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ हो रही है। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में बेहद आक्रोश दिखाई दे रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में युवा सड़क पर उतर आया है। बिहार में कई जगहों पर आगजनी हुई है, तो वहीं हरियाणा, राजस्थान और यूपी में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि हम सेना में जाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसे 4 साल के लिए सीमित कैसे किया जा सकता है। भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़ कर वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना आते ही विवादों में घिर गई है। एक तरफ सरकार इस योजना को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने बहुत शानदार योजना निकाली है, वहीं दूसरी तरफ इस योजना के खिलाफ युवा वर्ग सड़कों पर उतर आया है। बिहार में तो जगह जगह आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की भी घटनाएं हुई है। अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ 4 साल आर्मी में सेवा का मौका दिया जाएगा, जिसको लेकर युवाओं में भारी आक्रोश है। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिरकार क्या है अग्निपथ योजना। दरअसल अग्निपथ योजना के तहत सरकार का प्लान है कि सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाए। इस योजना के तहत कम उम्र के युवाओं को 4 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इस योजना में भर्ती किए गए जवानों में से महज 25% जवानों को ही सेना में रखा जाएगा। इसी को लेकर युवाओं में देशव्यापी विरोध जारी है। युवाओं का तर्क है कि 17.5 साल में अग्निवीर बनने वाले युवा के पास ना तो कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी और ना ही कोई विशेष योग्यता, ऐसे में वो दोयम दर्जे की नौकरियों के लिए बाध्य होगा। पहले फिजिकल फिर मेडिकल, अब रिटर्न की बारी आई तो इनकी एसटीसी होगी। आखिरकार इस योजना को लेकर क्यों इतना हो हल्ला हो रहा है, इस पर भी नजर डालते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है युवाओं की मांग। असल में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग बेहद स्पष्ट है। उनका कहना है कि इस योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। लंबे समय से सेनाओं में भर्ती न होने की वजह से परेशान छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती की रैलियां आयोजित कराई जाए और परीक्षाएं शुरू हों। इसके अलावा पुरानी लटकी भर्तियों को भी जल्द से जल्द क्लियर करने की मांग की जा रही है।
संस्थान संपादक अमित सैनी की खास रिपोर्ट।